हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने C++ के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। और जो कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और यहीं से एग्जैक्टली हमारा क्लास से ही जो है वो हमारा C++ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक इसके पहले वाली चीजों में, मतलब वीडियोज में हमने क्या किया था, तो बेसिकली हमने सी के ही प्रोग्राम्स को सीखा था कि कैसे हम C++ में लिखते हैं। और ये जो टॉपिक है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, किस टॉपिक को, कि कैसे आप किसी भी प्रोग्राम को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए लिखिएगा। और यहीं से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना कैरियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे क्या हायरिंग प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, इंडस्ट्री में नया क्या है, कैसे आप अपने कोर्सेप की रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगे, कैसे कैसे बड़े ब्रांड्स को जानेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए अनअकैडमी आपको एक वीकली शो प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लाइव होके सारे के सारे टेक कंपनियों के बड़े बड़े एचआर से और जो कि कोडशिप में 7-स्टार कोडर्स हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इंटरव्यूज़ को आप क्रैक करेंगे, कौन से टॉप 20-10 क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप इवन इसमें जो है मॉक इंटरव्यूज़ में टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप अपना जान सकते हैं कि आपकी स्किल्स कितनी हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, टेक एस्पेक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आप जान सकते हैं और अपने कैरियर को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ये पेज शो करेगा जहाँ पे आपको दिखाएगा 999 का एक साल का कोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप देंगे कोडिटर और यहाँ करेंगे अप्लाई कूपन तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलकर ये हो जाएगा 899 पर ईयर में, राइट। इस वेबसाइट में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे लाइव क्लासेस, एक्सेस टू इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, इनोवेटिव कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कौन कौन से टॉप एडुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से कोर्सेज नए लॉन्च होने वाले हैं, कौन से रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हर सैटरडे नाइट 9 बजे लॉ जो है ये बताते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के आप इंटरव्यूज को क्रैक करेंगे, कौन से यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली जो है पूछे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, कैसे उनको क्रैक करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो ये सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करती है 999 पर ईयर और 10% का कोड यूज करके आप ले सकते हैं इसको 899 पर ईयर में। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी मैं थियोरेटिकली ठीक इसके पहले वाले क्लास में समझा चुका हूँ। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है एक प्रोग्राम, और सपोज कीजिए दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन प्रोग्राम, राइट। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोग्राम होता है तो हम इसी पे मास्टर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये टफेस्ट नहीं होता, इजिएस्ट होता है। तो इजिएस्ट से शुरुआत करने का मतलब क्या है, इजिएस्ट से शुरुआत करने का सीधा सा मतलब ये है ताकि आपको प्रोग्राम में दिमाग नहीं लगाना पड़े, सिर्फ आप मतलब कॉन्सेप्ट को समझे कि एडिशन का प्रोग्राम तो आपको पता है C=A+E, यही सब कुछ है, लेकिन इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए कैसे लिखेंगे, राइट। तो ऑलरेडी ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में देखिए मेरी सारी वीडियो सीक्वेंशियल है, तो आपको बिल्कुल अगर समझना है कि चीज तो ठीक इसके पहले वाली वीडियोस को देखना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राइवेट, ठीक है, फिर होता है प्रोटेक्टेड और फिर होता है पब्लिक। इन सब चीजों को अगर मैं अभी समझाऊंगा तो फिर ये वीडियो हो जाएगी कम से कम आधे घंटे की। तो इसलिए आप जानिए कि जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए प्रोग्राम लिखते हैं तो उस समय मुझे क्लास के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। एक मिनट के लिए अगर नहीं भी पता है तो आप ठीक थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ठीक इसके पहले वाली वीडियो में जाकर देख के आ जाइए, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, दो नंबर लेना है, राइट, और फिर उन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो हमें सबसे पहले जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग लिखते हैं, चलिए प्रोग्रामिंग से धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहला जो मेरा लाइन होगा वो क्या होगा, हैश इंक्लूड और यहाँ क्या होगा आयो स्ट्रीम डॉट एच, राइट। फिर दूसरा लाइन क्या होगा, हैश इंक्लूड एंड वॉट कोनियो डॉट एच। तो ये दो हेडर फाइल्स के बारे में तो भाई आप बिल्कुल 100% नेम श्योर होंगे क्योंकि यूज करते हैं, आयो स्ट्रीम यूज करते हैं क्योंकि सी आउट सी इन को आप यूज कर सके, कोनियो ताकि गेट सी एच यानी कि आउटपुट के स्क्रीन को होल्ड करके आप आउटपुट देख सकें टर्बो C++ में, अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो, राइट। अब इसके अंदर देखिए जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड होता है, हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो क्लास को बनाना होता है। तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर हम देते हैं अपने क्लास का नाम, यहाँ पे नाम होता है। तो नाम बेसिकली हम क्या करते हैं, नाम हम वही देते हैं जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ एडिशन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ एडिशन दे दूंगा, ताकि क्या होगा, एक तरह से अच्छी बात है ना कि आपको क्लास का नाम देख के ही पता चल जाए कि आपका प्रोग्राम कौन सा है,
नाम तो कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल नाम देते हैं तो दैट इज ऑलवेज बेटर। अब इसमें आइए, इसमें यहां पे जो सेक्शन शुरू होता है प्राइवेट सेक्शन शुरू होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल्स को, और दूसरा होता है पब्लिक, पब्लिक के अंदर हम लिखते हैं मेथड्स को। याद रखिएगा, प्राइवेट के अंदर हम क्या देंगे, देखिए अभी हम समझ रहे हैं ना, बाद में हम आपको भले ही और भी डीप में बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि प्राइवेट के अंदर हम जनरली वेरिएबल्स को देते हैं, और यहाँ पे C++ में वेरिएबल्स को वेरिएबल्स नहीं कहकर डेटा मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्राइवेट सेक्शन में, यानी कि जो आपके क्लास का प्राइवेट सेक्शन होगा, आप बोलेंगे सर प्राइवेट क्या होता है, तो यही मैंने कहा ना, एक्सेस स्पेसिफायर आपको पढ़ के आना होगा, ठीक है। तो प्राइवेट मतलब कि आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और प्राइवेट को यूज करने का तरीका है कि पब्लिक के थ्रू यूज करेंगे। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब आइए, तो प्राइवेट के अंदर यूजुअली हम डेटा मेंबर्स को रखते हैं, यूजुअली, हालांकि हम चाहें तो मेंबर फंक्शंस को भी रख सकते हैं, और पब्लिक के अंदर जो हम रखते हैं वो यूजुअली फंक्शंस को रखते हैं। अब फंक्शंस को ही C++ की प्रोग्रामिंग में हम मेथड्स कहते हैं या मेंबर फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शंस। तो अगर मैं अब अगर कंप्लीटली C++ की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करूं, तो प्राइवेट के अंदर हम डेटा मेंबर्स को रखते हैं, और पब्लिक के अंदर हम मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को या मेथड्स को रखते हैं। यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइवेट में क्या रखें, प्राइवेट में कौन कौन सा वेरिएबल रखें। तो आपको यहां देखना होगा कि आप इनपुट किन किन चीजों का लेंगे। तो इनपुट आप लेंगे किसका, दो नंबर का, ए और बी। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी टर्मिनोलॉजी फॉलो कीजिएगा, हो सकता है बहुत लोग अलग अलग तरीके से ही पढ़ाएं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि ए और बी जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो ना, उसको क्लास लेवल की वेरिएबल बनाओ। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फिर क्या होगा, जब आप प्राइवेट लिखेंगे तो यहाँ जो इंट ए और बी लिखेंगे, ये आपको बस बनाना होगा प्राइवेट। अब आप कहेंगे सर जिसमें एडिशन रखेंगे सी, वो कहाँ रखेंगे, वो बताता हूँ। मतलब वेरिएबल जिसमें आप एडिशन कर, सम करके रखेंगे, स्टोर करेंगे, वो कहाँ रखेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। पब्लिक के अंदर अब देखिए मेरे तरीके से अगर पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको हमेशा दो फंक्शंस, आपको हमेशा दो मेथड्स यूज करेंगे। ऑलवेज यू हैव, यू विल हैव टू मेथड्स। पहला हम मेथड रखेंगे गेट डेटा, जो इनपुट लेगा, ठीक है, और दूसरा मेथड हम रखेंगे हमेशा पुट डेटा, जो आपको जो भी फंक्शनैलिटी करनी होगी उस फंक्शनैलिटी को क्या करेगा, परफॉर्म करके बता देगा, राइट। तो यहाँ पब्लिक के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे void, एक पहला फंक्शन लिखेंगे इसका नाम क्या होगा, गेट डेटा, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या होगा, void पुट डेटा, राइट। अब ये दो फंक्शन देखिए, एक तो तरीका ये है कि इस फंक्शन को आप यहीं पे डिफाइन कर दीजिए, जो इंटरनल डेफिनेशन हो गया, मतलब क्लास के अंदर ही आपने अगर उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, गेट डेटा लिखता हूँ, ठीक है, फिर इसके अंदर मैं यहाँ यही लिख देता हूँ cout/enter two numbers, ओके, और जो भी यूजर ने दिया उसको ए और बी में मैंने क्या कर लिया, रीड कर लिया। तो ये जो तरीका है, यानी कि जब आप क्लास के अंदर, देखिए क्लास शुरू हुआ है, क्लास बंद नहीं हुआ है, तो जब आप क्लास के अंदर हो और क्लास के अंदर ही आपने उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो दिस इज कॉल आपको कि आपने क्लास के अंदर इंटरनल डेफिनेशन दे दिया, यानी क्लास के अंदर ही आपने क्या कर दिया, मेथड को का डेफिनेशन भी दे दिया कि वो मेथड क्या परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा। और यहीं पे आपने एक और मेथड दे दिया void put data, ठीक है, और put data में आपने क्या कर दिया, यहीं पे डायरेक्ट सी आउट कर दिया, सी आउट स्लैश एंड एडिशन इक्वल टू, आपने मैसेज दे दिया है कि एडिशन इक्वल टू, और फिर जो आपने मैसेज दे दिया वो दे दिया ए प्लस बी। अब ये बंद हो गया, देखिए गेट डेटा ओपन हुआ, गेट डेटा क्लोज हुआ, पुट डेटा ओपन हुआ, पुट डेटा क्लोज हुआ। अब क्लास जो ओपन हुआ था वो क्लास भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और क्लास के लास्ट में हमेशा याद रखिएगा सेमी कॉलन होता है। तो क्लास जहां बंद होगा वहां पे आपको क्या देना होगा, सेमी कॉलन। ये हो गया इंटरनल डेफिनेशन, यानी कि जो भी मेथड्स आपने यूज किए, आपने कौन कौन से मेथड यूज किए, गेट डेटा, और आपने कौन सा यूज किया, पुट डेटा। तो आपने जो ये गेट डेटा और पुट डेटा यूज किया है उसको आपने अंदर ही डिफाइन कर दिया। अगर आप चाहें तो बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। अभी ये हो गया, मैंने क्लास बनाया, देखिए अभी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ क्या, एक तरह से पूरा काम ही कर दिया हमने, हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, क्लास लिखा, क्लास के अंदर हम जनरली प्राइवेट सेक्शन में उन वेरिएबल्स को लेते हैं जिन वेरिएबल्स की हम इनपुट लेंगे। तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी करते रहेगा कि भैया क्या होता है, एडिशन का प्रोग्राम है तो दो नंबर के एडिशन प्रोग्राम है तो, तीन नंबर के एडिशन का प्रोग्राम होता तो एबीसी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एबीसी होता। अब मुझे चेक करना था कोई नंबर ऑड है या इवन है, तो क्या करूंगा मैं, ऑड और इवन के लिए सिर्फ यहाँ एक यही तो मानूंगा, क्योंकि एक ही नंबर तो मुझे इनपुट लेना होगा। तो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी क्लास आप बना रहे हैं उसके अंदर आप कौन सा प्राइवेट मेंबर रखेंगे जिसका इनपुट आप ले रहे होंगे, राइट। अब आइए,
मैंने क्या किया, इसी के अंदर पब्लिक सेक्शन लगाया। तो मैंने आपको बताया यूजुअली प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम क्या रखते हैं, ए और बी, मतलब जो हमारा जो है प्राइवेट सेक्शन के अंदर वेरिएबल होता है यानी डेटा मेंबर्स होते हैं, और जो पब्लिक सेक्शन होता है उसके अंदर हम फंक्शंस रखते हैं। तो दो फंक्शंस, एक गेट डेटा और एक पुट डेटा हमने डाला। यूजुअली ऐसा होता है, आगे मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा कि आप इसके अंदर भी फंक्शंस को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट के अंदर भी आप फंक्शंस को रख सकते हैं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं ना, ऑब्वियसली बात है, तो आपको अभी ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए। और जहां पर क्लास आपका बंद होता है वहां सेमीकोलन लगा दिया। अब इन सारे फंक्शंस का डेफिनेशन मैंने इसी के अंदर लिख दिया, इन सारे फंक्शंस का डेफिनेशन मैंने इसी के अंदर लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड इनलाइन, मतलब इनलाइन नॉट इनलाइन, ये मैंने क्या किया क्लास के अंदर, इनसाइड डेफिनेशन, इनसाइड क्लास डेफिनेशन मैंने यहां पे बना दिया, राइट। अब मुझे कुछ नहीं करना होता, क्लास मेरा रेडी है। तो आखिर इसका नाम टॉपिक का क्या है, नाम इसका है टॉपिक का क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा बनता है कहां, आपके मेन सेक्शन में। तो यहां पे आप देखिए क्लास खत्म होने के बाद सीधे मेरा शुरू होगा कौन सा, इंट मेन, और अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, तो भैया आपने ये क्लास आपने बनाया ना एक एडिशन नाम का, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो आप जब वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का तो आप क्या लिखते हैं, इंटीजर टाइप का ए। तो वैसे ही क्लास भी जो है वो क्या है, क्लास इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि जो इसे ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन यानी कि पहले से बने हुए। और ये जो क्लास है वो क्या है, हमने बनाया है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, लेकिन तरीका सेम होगा वेरिएबल्स के बनाने का। तो यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, एडिशन टाइप का एक लेते हैं ऑब्जेक्ट डबल ए। डबल ए क्यों लिया, तो ये मेरा नोमेनक्लेचर है, मैं यूजुअली ये करता हूं कि जो हम ए बी सी डी ऐसे लेंगे वो नॉर्मल वेरिएबल्स होंगे, जो हम डबल ए डबल बी डबल सी लेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको भी क्या होगा, सहूलियत होगा, यानी कि जैसे ही डबल आप ए देखेंगे आप समझ जाएंगे भैया ये तो ऑब्जेक्ट है, सिंपल ए बी सी डी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे भैया ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसीलिए डबल ए डबल बी डबल सी ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसी को यूज करूंगा। होता क्या है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, जैसे ही कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो उस क्लास की चीजें होती हैं। इस क्लास के अंदर क्या है, प्राइवेट सेक्शन है ए और बी, तो इस क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन में क्या आ जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल और एक बी नाम का वेरिएबल आ जाएगा, और पब्लिक के अंदर क्या आ जाएगा, तो पब्लिक के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, एक गेट डेटा फंक्शन और एक पुट डेटा फंक्शन, यानी कि यहाँ पे एक हो जाएगा गेट डेटा का फंक्शन है एक, ठीक है, और एक क्या है पुट डेटा का फंक्शन, राइट। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में वैल्यूज डालना है ना जी, तो वैल्यूज डालने के लिए जो हमने फंक्शन लिखा है इनपुट लेने के लिए वो गेट डेटा है। तो इस क्लास ऑब्जेक्ट के जरिए आप क्या करेंगे, डबल ए के जरिए आप गेट डेटा को कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप डबल ए के जरिए गेट डेटा को कॉल करेंगे, ये लाइन जैसे ही इनवोक हुआ ये सीधे आएगा यहां पे, पूछेगा आपसे एंटर टू नंबर्स, और ए और बी में रीड कर लेगा, किसके ए में किसके बी में, तो डबल ए के जरिए आपने कॉल किया है ना, तो डबल ए के ए वाले सेक्शन में, डबल ए के ए वाले सेक्शन में रीड करेगा और डबल ए के बी वाले सेक्शन में। तो अब देखिए ये जो ए और ये बी जो है वो प्राइवेट है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं ये प्राइवेट है ना, तो क्या आप इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, नहीं आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, आप किसके जरिए कर रहे हैं, गेट डेटा के जरिए आप इस ए को यूज कर रहे हैं, गेट डेटा के जरिए ही आप इस बी को यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्राइवेट सेक्शन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, हाँ मेथड के जरिए, उसके पब्लिक मेथड के जरिए आप यूज कर सकते हैं। तो गेट डेटा के जरिए भी हम इस ए और बी को यूज कर सकते हैं और पुट डेटा के जरिए भी हम इस ए और बी को यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने गेट डेटा किया, इसने दो नंबर पूछा ए और बी में रीड कर लिया, मान लिया यहाँ पांच और यहाँ छह रीड कर लिया, ठीक है। और अब हम यहाँ करेंगे क्या, डबल ए के जरिए किस फंक्शन को कॉल, पुट डेटा को। जैसे ही पुट डेटा हमने किया, अब ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आते ही मैसेज दे देगा एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी, किसका ए किसका बी, तो किसके जरिए आपने कॉल किया, डबल ए के जरिए कॉल किया, तो डबल ए के ए को और डबल ए के बी को, यानी पांच और छह ग्यारह आंसर आ जाएगा। वापस लौट के जाएगा, स्क्रीन को होल्ड कर दीजिए, गेट सी एच, ये तो आप बेसिक आप जान चुके होंगे कि कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो वो अपने मतलब डेफिनेशन पे आता है, वन बाई वन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, और जब वो खत्म हो जाता है मतलब वो फंक्शन सारा काम कर लिया, फिर से वहीं जाता है जहां से उसको कॉल किया गया था, आगे आया पुट डेटा में, फिर से यहाँ आया, जो भी था एग्जीक्यूट किया, वापस लौट के वहीं गया जहां से उसको कॉल किया गया था, गेट सी एस स्क्रीन होल्ड हो गया, और आपने कहा है कि इंटीजर टाइप का रिटर्न करेंगे तो आपका ये रिटर्न क्या, जीरो। ये आपका एक प्रोग्राम है जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए आपने क्या लिखा है, एडिशन का प्रोग्राम लिखा है। अब इसमें एक चीज और, वो कौन सी चीज, पहली चीज प्राइवेट
आप नहीं भी लिखते हैं तो जो वेरिएबल्स आप बिना कुछ एक्सेस स्पेसिफायर लिखे हुए मानते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में ही कंसर्न किया जाता है, प्राइवेट में ही उसको माना जाता है कि वो प्राइवेट में ही है। तो यहां प्राइवेट लिखिए तो भी और प्राइवेट नहीं लिखिए तो भी ये इंटीजर ए और बी प्राइवेट में ही जाएंगे, लेकिन पब्लिक के लिए आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं इसके नीचे की चीज प्राइवेट पब्लिक हो तो पब्लिक लिखना पड़ेगा। अगर आप यहां से पब्लिक हटा देंगे तो ये सारा चीज भी प्राइवेट में आ जाएगा, फिर क्लास का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास के अंदर अगर सारी चीजें प्राइवेट हैं, ध्यान सुनिएगा, क्लास के अंदर अगर सारी चीजें आपने क्या बना दी प्राइवेट, तो आप तो ऑब्जेक्ट के जरिए किसी भी चीज को एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जरिए आप किसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिक की चीजों को। प्राइवेट पूरा का पूरा क्लास है, बेकार हो जाएगा। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी क्लास में सारा मेंबर्स जो है वो प्राइवेट है तो क्या हम उस क्लास को क्या हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो एकदम बेकार क्लास है, उसको कोई यूज ही नहीं कर सकता। क्योंकि प्राइवेट सेक्शन की चीजों को डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे यहां लिखूं, मैं लिखता हूं डबल ए डॉट ए इक्वल टू फाइव, डबल डॉट ए इक्वल टू फाइव, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि डबल ए के जरिए मैंने ए को यूज किया और ए जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इसी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं ना, जैसे यहां हमने इंटरनल डेफिनेशन दिया, नहीं आप चाहें तो आउटसाइड डिफाइन कीजिए। अगर फंक्शन क्लास को बेसिकली अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे आप तो क्लास प्रोग्राम की एफिशिएंसी बहुत इंपैक्ट होती है, आपका प्रोग्राम हो जाएगा स्लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप ए और बी मान लीजिए, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक में चला गया, सॉरी प्राइवेट में चला गया, ठीक है। यहाँ पे बस फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए, फंक्शन का प्रोटोटाइप, तो void get data एक फंक्शन हो गया, void put data एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों को, अब ये क्लास बंद हो गया, बस इन फंक्शंस को बाहर डिफाइन कर दीजिए। तो इन फंक्शंस को बाहर डिफाइन करना थोड़ा सा अलग होता है, कैसे? सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप void, फिर लिखते हैं हम क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है हमारे, क्लास का नाम है एडिशन, राइट। देन लिखते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा, और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, दैट्स इट। तो ये हो गया तरीका, रिटर्न टाइप, क्लास का नाम उसके बाद, फिर फंक्शन का नाम, और इसके अंदर अगर आर्गुमेंट दिया है तो दीजिए, नहीं तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर आपको जो भी लिखना था वो आप लिखिए, सी आउट स्लैश एन एंटर टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को एंटर कीजिए, ठीक है। अब जो भी इसने दिया नंबर उसको आपने उसको ए में और बी में क्या कर लिया, रीड कर लिया, बस। अब इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, रिटर्न टाइप दैट इज void, फिर क्लास का नाम दैट इज addition, इस डबल डॉट को दो सेमी कोलन, सॉरी दो कोलन का साइन देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रेडिक्ट करता है, ये बताता है कि एडिशन क्लास के अंदर हमारा एक पुट डेटा नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज कीजिए, उस फंक्शन का डेफिनेशन आप लिखने जा रहे हैं, यहां पे आप क्या कर देंगे, सी आउट स्लैश एन एडिशन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, एंड दैट्स इट, हो गया। यानी यहां से यहां लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर यहां से यहां लिख दिया, होगा क्या, बस आपने एक चेंजेस किए, जो पहले आप फंक्शन आप अंदर नहीं डिफाइन करते रहते हैं उन फंक्शन को आपने क्लास के बाहर डिफाइन किया, यानी कि क्लास के फंक्शन को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अंदर डिफाइन करने के लिए ठीक है, छोटा मोटा प्रोग्राम है तो कर लिया, लेकिन अगर लेंदी प्रोग्राम है तो हम बाहर करते हैं, अदरवाइज क्लास काफी लेंदी हो जाएगा और प्रोग्राम स्लो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये था आपको एक प्रोग्राम एडिशन का, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली करके देख लेते हैं। प्रोग्रामेटिकली करने के लिए हमारे पास है टर्बो C++ का एनवायरनमेंट, आप कोई सा भी दूसरा कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट टर्बो C++ पे, तो टर्बो C++ का स्क्रीन खुल जाएगा, और देखिए ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जो क्लास एडिशन है, और ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया है। और इस केस में मैंने इस गेट डेटा फंक्शन को और इस पुट डेटा फंक्शन को मैंने क्या किया है, अपने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया है। इसे चाहे तो हम बाहर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और वन बाय वन दोनों को हमने क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। चलिए इसे कंपाइल करेंगे, तो ऑल्ट F9 से इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंट्रोल F9 से इसे रन कर लेते हैं। दो नंबर ये पूछता है, सपोज कीजिए पहला नंबर 10 देते हैं, दूसरा नंबर 20 देते हैं, और जैसे एंटर करेंगे ये हमें क्या दे देगा, एज आंसर 30 दे देगा। मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली थ्रू क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब अगर इसमें ये है कि आप इसी प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं कि इन फंक्शंस को आप आउटसाइड डिफाइन करें, तो कैसे करेंगे, तो दैट इज नॉट ए बिग इशू। बस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, void get data,
कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर void put data, ओके, और यहाँ पे आप इस क्लास को बंद कर देंगे। यहाँ पे जब क्लास बंद हो गया तो इसे डिफाइन करने का तरीका क्या है, बाहर आउटसाइड डिफाइन करने का ये तरीका है कि void, फिर क्लास का नाम है क्या, एडिशन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बाकी सारा काम सेम रह जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा एडिशन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और पुट डेटा, बाकी सारा काम सेम रह जाएगा। और यहाँ से ये एक हटा देंगे क्लास क्लोजिंग का, क्योंकि क्लास को हमने यहीं क्लोज कर दिया है। बाकी सारा प्रोग्राम वही होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेव करते हैं, ऑल्ट एफ नाइन, दो एरर्स आ गए। क्या है, एडिशन, ओके, स्पेलिंग गलत टाइप हो गई, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, ओके। सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, परफेक्ट, रन करके देखते हैं। एंटर टू नंबर्स मैं देता हूँ, मान लीजिए इस बार 15 देता हूँ, और फिर से 20 या 23 कुछ भी देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए एडिशन इक्वल टू 38। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटरनली डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर आउटसाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, राइट। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली भी अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।